वोट मांगने के लिए तो पूछे ना कि बताओ क्या दिए हो हमको 30 साल में, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। खाली आत्मसम्मान होता है, खाली आत्मसम्मान होता है। माथा पर टोकरी लेकर के जाएंगे नौकरी करने के लिए तो मन होगा तो 2 रुपया जो है हमारा श्रम हमको देगा, और मन होगा तो हमको गाली देगा। देखिए कश्मीर में गोली दे रहा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी भाई? इलाज कराने के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए बाहर जाएं, रोजगार के लिए बाहर जाएं, और वोट देने के लिए आप, वोट लेने के लिए आप हमारे घर में आइएगा, बोलिए इनको झाड़ू मार करके भगाना चाहिए नहीं भगाना चाहिए? ये सवाल है। इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके ये अपील करना चाहता हूं कि बिना मतलब के किसी दुविधा में मत रहिए। आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा की थी, एक तरफ हम हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है। आपको पता है मुझे क्यों नहीं लगता है कि मैं दूसरे परिवार में आया हूं? मैं पहले भी सदाकत आश्रम आ चुका हूं। मेरे गांव के, मेरे परिवार के लोग, पूरा का पूरा परिवार सदाकत आश्रम में रहता था, मैं उस भूमि से आता हूं। अजीब संयोग है कि हमारा ताल्लुक उस परिवार से है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रामचैत्र बाबू भी उस घर में पैदा हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के भी शीर्ष नेता चंद्रशेखर बाबू उसी घर में पैदा हुए। हम उस गांव से आते हैं। हमको असल में समझ में आती है कि विपक्षी एकता क्या होती है। विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके पास 3.5 से 4 साल बचे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। अगर आज से एक युवा साथियों की दोस्ती होगी बिहार के युवा साथियों के साथ, हम गुजरात